हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज का इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप रियलमी Y2.0 का अपडेट के बाद बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। बहुत सारे भाई ने मुझे कमेंट कर पूछ रहे थे कि मेरा जो सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद हमारा जो बैटरी बैकअप जो ख़राब हो चुका है, बैटरी बैकअप पहले जैसा नहीं दे रहा है। और बहुत सारे भाई ने पूछ रहे थे कि रियलमी Y2.0 का अपडेट के बाद भी मेरा जो बैटरी बैकअप की जो प्रॉब्लम आ रहा है, बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसी वीडियो में आपको सारा जानकारी देने वाला हूं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बाद हम जो बेल आइकन से दबा के ऑल पे प्रेस जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप रियलमी Y2.0 का अपडेट के बाद बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम आ रहा है, कि आप रियलमी का कोई सा भी डिवाइस यूज़ करते हैं तो वीडियो को एंड तक बने रहे। अगर आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद एंड्रॉइड 11 का अपडेट के बाद अगर बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो यही एक ही सोल्यूशन इसका है दोस्तों, आपको वेट कर लेना है, जब भी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा उसी में सॉल्व कर दिया जाएगा दोस्तों। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बग चल रहा है, जब अपडेट आता है दोस्तों उस अपडेट में ही ये सॉल्व किया जाता है, इसका कोई सेटिंग से लेना देना नहीं है। जब भी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा उसी में आपको जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। रियलमी Y2.0 का अपडेट के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट का इंतजार कर लेना है। आप कोई सा भी रियलमी को डिवाइस यूज करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट आया है फिर भी आपको नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट का इंतजार करना है, उसी में आपको जो प्रॉब्लम है फिक्स कर दिया जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ कुछ सेटिंग के लिए। सेटिंग को करने के बाद दोस्तों आपको कुछ परसेंट दोस्तों आपको बैटरी है आपको बेहतर हो जाएगा। तो क्या क्या सेटिंग करना है इसके लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहे। चलिए मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आपको सेटिंग करना है। सेटिंग करने के बाद आपको जो 100% है दोस्तों आपको पहले से बेहतर आपका जो बैटरी बैकअप हो जाएगा दोस्तों। आपको सेटिंग को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना है। नीचे जैसे स्लाइड करते हैं दोस्तों, आपको नीचे स्लाइड करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है। ऐप मैनेजमेंट में जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऐप लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ऐप लिस्ट में आपको क्लिक करना है। ऐप लिस्ट में जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे दो डॉट का ऑप्शन आ रहा है, दो डॉट पे आपको क्लिक करना है। सो सिस्टम पे आपको क्लिक करना है। सो सिस्टम पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्च करना है आपको बैटरी यहाँ पे सर्च करना है। बैटरी यहाँ पे जैसे सर्च करते हैं क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करके इसको क्लियर डाटा कर देना है। क्लियर डाटा करने के बाद आपको बैक चल जाना है, इसको क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज कर देते हैं इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चल जाना है, सिलेक्ट करने के नीचे चल जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से आप सेटिंग्स फिर से ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी का ऑप्शन मेरा, बैटरी को अपन ऑन कर लेना है। बैटरी को ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते पावर सेविंग मोड, पावर सेविंग मोड को ऑन करने से यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर सबसे ऊपर में देखते हैं पावर सेविंग मोड, अगर इसे आप ऑन कर दोगे तो आपको जो बैटरी बैकअप है पहले से बेहतर हो जाएगा। ये पावर सेविंग मोड है दोस्तों, ये आपको ऑन करने से आपको बैटरी है बैकअप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये आपको सेटिंग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ और सेटिंग मिल जाता है दोस्तों, आपको यहाँ पे करना क्या, देख सकते हैं कि फोन बैटरी यूजर्स, यहाँ पे फोन बैटरी यूजर्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ बहुत सारा एप्लीकेशन आपको जो शो होगा, तो वही शो होने के बाद दोस्तों को करना क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बैटरी बैकअप यहीं से यही एप्लीकेशन ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे देखिए कि गूगल पे, व्हाट्सअप, यहाँ पर थीम स्टोर, देखिए कितना कितना परसेंट हमारा जो बैटरी है खाया हुआ है। तो इसको कैसे बंद कर सकते हैं, मैं इसी के बारे में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ कि जो एप्लीकेशन का जो बैकग्राउंड में रनिंग होता है उस एप्लीकेशन को बंद करना है, वही आपको जो बैटरी बैकअप है कंज्यूम होता है। उस एप्लीकेशन को बंद करने, बैकग्राउंड एप्लीकेशन को बंद करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको चल जाना है मोबाइल को जो सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग पर आपको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे सेलेक्ट करना है। नीचे सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे सेलेक्ट करते करते आपको ये ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑटो लॉन्च ऐप। ऑटो लॉन्च ऐप के आपको क्लिक करना है। ऑटो लॉन्च ऐप पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन अगर ओपन है इसे आपको ऑफ कर देना है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर ये एप्लीकेशन ऑफ रहेगा, व्हाट्सअप, यूट्यूब अगर बैकग्राउंड एप्लीकेशन रनिंग होगा तो आपको बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, बैटरी बैकअप जो ज़्यादा खत्म होगा दोस्तों। इससे आपको ऑफ कर देना, बैकग्राउंड एप्लीकेशन रनिंग नहीं होगा तो आपको बैटरी बैकअप पहले से बेहतर हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन आपको बंद कर देना है बैकग्राउंड में। तो ये आपको ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड एप्लीकेशन जो बंद कर देना है।
दूसरा सेटिंग आपको क्या करना है, दूसरा सेटिंग को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फिर से आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना है, नीचे जैसे स्लाइड करते हैं आपको आपको दिखाई देगा यूजर एंड अकाउंट, यूजर एंड अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। यूजर एंड अकाउंट पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे गूगल का ऑप्शन मेरा सबसे ऊपर में, गूगल पे आपको क्लिक करना है। गूगल पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे 2 GB आपको जितना मोबाइल में जीमेल होगा वो जीमेल शो होगा, जीमेल पे 1 GB पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ये कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर, कैलेंडर को हमको अनटिक कर देना है, कॉन्टैक्ट को आप रहने देना है, कॉन्टैक्ट को हमसे टिक करके रखना है, उसके बाद जीमेल को भी टिक कर रखना है, बाकी जो भी चीज़ है आपको अनटिक कर देना है। ये इससे क्या होगा कि आपको बैकग्राउंड ये स्कैन करते रहता है, आपको बैटरी बैकअप कंज्यूम होते रहता है, ज़्यादा हीट होते रहता है मोबाइल जब तो गर्म होने लगता है, तो आपको ये अनटिक कर देना है। सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट को और जीमेल को आपको टिक करके रखना है, बाकी चीज़ को अनटिक करके रखना है। जब अनटिक कर दोगे तो आपको पहले से बेहतर आपको जो बैटरी बैकअप है हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या बात को ध्यान रखना है, आपको कुछ बात को आपको ध्यान भी रखना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि हम जाते हैं, यहाँ पे जैसे स्लाइड करते हैं, यहाँ पे जैसे कि ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है, ये ऑटो ब्राइटनेस आपका हो गया, तो आपको ऑटो ब्राइटनेस आपको कभी भी नहीं करना है दोस्तों। आपको जो आपको डायरेक्ट करके रखना है आप काम कर सकते हो उस तरह से आप करें, ऑटो ब्राइटनेस आप कभी भी नहीं करेंगे तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक जो ब्राइटनेस कम बेसी होती रहता है तो उससे दोस्तों आपको बैटरी का नुकसान हो सकता है दोस्तों। इससे आप बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होता है, आपको बैटरी बैकअप खराब होता है, तो आपको ये ऑटो ब्राइटनेस वाला आपको ऑप्शन है ऑन नहीं करना है आपको, नहीं तो यही मोबाइल का जो बैटरी बैकअप का जो प्रॉब्लम है आ सकता है। अब बात कर लेते हैं और लास्ट सेटिंग के बारे में, लास्ट सेटिंग आपको क्या करना है, लास्ट सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको एडिशनल सेटिंग में आपको क्लिक कर देना है। एडिशनल सेटिंग में जैसे क्लिक करते आपको नीचे सेलेक्ट करना है, आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलेगा, डेवलपर ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे सेलेक्ट करना है, नीचे जैसे सेलेक्ट करते आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पर करना क्या हो चलिए मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट हमको मिल चुका है, देख सकते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट हमको मिल चुका है डेवलपर ऑप्शन के अंदर, तो आपको डेवलप बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट लिखा हुआ है, तो आपको स्टैंडर्ड लिमिट का क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड लिमिट हटा के आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर आपको क्लिक कर देना है। नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट जैसे आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों इससे क्या होगा बैकग्राउंड में जो ये सब रनिंग होता है ये आपको नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक से क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक से दोस्तों, आपको जो बैकग्राउंड है आप सही से रहेगा और आपको बैटरी बैकअप पहले से बेहतर हो जाएगा। ये आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट से नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे आपको क्लिक कर देना है, तब ये पहले से बेहतर आपको बैटरी बैकअप कर देगा। तो सब समझ चुके ये सेटिंग क्या क्या करना है, किस तरह से सेटिंग करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मोबाइल में कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप का अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।